हर शहर की एक हस्ती होती है, एक किरदार होता है। हर शहर में कुछ किरदार होते हैं जो शहर की हस्ती में इजाफा करते हैं। कानपुर, कानपुर के कई पर्चे दिए जा सकते हैं। उसमें एक पर्चे ये भी है कि कानपुर एक लोक कला जिसका नाम है नौटंकी, उसका केंद्र है। हम इस वक्त कानपुर में हैं, चुनाव कवर करने आए। कानपुर के एक बड़े कलाकार हैं जिनके बारे में आपने बिल्कुल शुरुआत में जो आपका ओपनिंग फ्रेम था उसमें होर्डिंग देखी, इसमें लिखा है वर्ल्ड फेमस रंपत हरामी की मशहूर नौटंकी। बाएं हाथ पे आप थोड़ा सा घूमेंगे जरी, तो ये रंपत हरामी जी की तस्वीर है, रंपत जी की तस्वीर है। हरामी तो लोगों ने जोड़ दिया, क्यों जोड़ दिया, कैसे वो इनकी मशहूरियत का हिस्सा हो गया, क्यों इस तरीके के इश्तहार छपने लगे, ये देखिए रंपत हरामी किंग भोजपुरी और हिंदी नौटंकी। ये नाला सोपारा, ये तो मुंबई महाराष्ट्र में है ना, हाँ वहाँ का ये शो है, शो की होर्डिंग है रंपत हरामी कॉमेडी। और ये रंपत जी हैं, तो क्या है इनकी कहानी पूछ लेते हैं। बहन जी क्यों चली गई, आ रही। क्या ना, आपका नाम क्या है, असली नाम क्या है? रंपत सिंह भदौरिया। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? कानपुर के हैं। कानपुर के, कुछ निकाल रहे हैं क्या, खोज रहे हैं? ये सब सीडी है आपका? नहीं, ये तो रफी साहब की। ये रफी साहब की है। ये शेख चिल्ली का कॉमेडी धमाका, ये दूसरा कलाकार है, इमरान ठेकेदार। तो आप इसको रख दीजिए, हम लोग बात कर लें, पहले दो मिनट हैं। चलिए, ये आपका दफ्तर है। रामपत सिंह भदौरिया जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 की पैदाइश है। 65 की पैदाइश है। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? हाई स्कूल तक। हाई, यहीं कानपुर में ही? कहाँ पे पढ़े, कौन से स्कूल में? रामलीला स्कूल रावतपुर में पढ़े। और ये नौटंकी कब से शुरू की आपने? बचपन से शौक था मुझे। बचपन से शौक था। पर पिताजी तो आपके पुलिस में थे, आप बता रहे हैं, वो हैं श्री रघुवीर सिंह भदौरिया, सीओ रिटायर हुए। तो जब आपने ये नौटंकी शुरू बचपन में शुरू की, आइए बहन जी, तो आ जाने दीजिए, आइए विराज जी, इधर बैठ जाइए, मैं खड़ा रहूँगा। जब आपने शुरू की तो शुरुआत में घर वालों की क्या रिएक्शन थी? खिलाफ थे मुझसे। खिलाफ थे, मारा पीटी भी करते थे? हाँ, डांटते थे, घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया, फिर कहाँ गए आप? तब से यहीं, तब से अपना ठिकाना है। तो नौटंकी में जो आप गाने गाते हैं वो खुद ही लिखते हैं? नहीं, कुछ फिल्मी गाने होते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। जो उसे जो हम लोग उसमें करते हैं, नेट पे जो आता है वो हमारा अपना खुद का होता है, नेट पे आता है वो खुद का होता है। और बहन जी आपका क्या नाम है? रानी बाला जी। तो आप लोगों की भेंट कैसे हुई? नौटंकी में हुई। नौटंकी में हुई, तो आप भी नौटंकी में कलाकार थी? हाँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो हैं यहाँ, ये जरनैलगंज नहीं है, बादशाहीना का, बादशाहीना जी, वहाँ के रहने वाले, जरनैलगंज। तो जब आपने ये तय किया कि आप लोगों को शादी करनी, तब घर वालों की क्या रिएक्शन थी? तब कुछ ठीक था, सब ठीक था। अच्छा, जब नाम हो गया, पैसा हो, सब सही हो गया। नाम और पैसा हो गया तो सब सही हो गया, मशहूर लोगों के साथ आपकी फोटो वोटो आने लगी, सब सही हो गया। तो ये आपका नाम रंपत सिंह भदौरिया है, तो ये रंपत हरामी कैसे हो गया? ये पब्लिक की देन है। पब्लिक की देन, जो भी बच्चा अच्छा काम करता तो माँ बाप कहते थे बहुत सब बहुत हरामी है, जो पढ़े लिखे लोग कहते शैतान है, जो देहाती टाइप के लोग होते बड़ा हरामी है। तो आप फैम थे कुमार? हाँ, उन्होंने नाम रखा इनका लंपट हरामी, रानी वाला मेरा नाम उनने रखा। तो आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम है माया रानी। माया रानी नाम है, उन्होंने बदल के रानी बाला रख दिया। और इनका रंपत सिंह भदौरिया से रंपत हरामी रख दिया। अब वो पॉपुलर हो गया, आज नाम हो गया दुनिया में। तो पर लेकिन कभी अजीब नहीं लगा कि ये शब्द जो जोड़ दिया गया है साथ में? अगर हम लोग रखते तो खराब लगता। पब्लिक की देर, उसमें क्या कर सकते हैं? तो आप पिछले 35 साल से नौटंकी कर रहे हैं साथ? जी हाँ जी। अच्छा, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, देश में, देश के बाहर? यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, सब जगह कर रखा, सब जगह जाते। विदेश नहीं गए खाली, बस विदेश नहीं गए। तो विदेश क्यों नहीं गए? जब कोई ले जाएगा तभी तो ले जाएंगे, अपनी मर्जी से ले जाएंगे, तब जाएंगे। आप लेकिन कुछ बता रहे थे विदेश जाने का मौका लग रहा। मौका था लेकिन उसी वक्त बॉम्बे ब्लास्ट हो गया था। बॉम्बे ब्लास्ट नहीं हो गया था 1993 में? कहाँ जाने वाले थे, दुबई उबई जा रहे थे क्या? नहीं, दुबई नहीं जा रहे थे, और कहीं था।
कागज कंप्लीट हो गए थे। आपको जरूरत हमारी होगी तभी तो आप हमको ले जाएंगे, तभी तो हम जाएंगे, अपनी मर्जी थोड़ी ना चले जाएंगे भाई। आपको शो कराना, आप हमें बुलाएंगे तभी तो हम आपके यहाँ जाएंगे। हम तो आर्टिस्ट है, जो बुलाएगा वहाँ जाएंगे, अपनी मर्जी से घूमने थोड़ी चले जाएंगे। हमको जो बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। अच्छा एक तो पहले बताइए, कोई ऐसा गाना जो बहुत पॉपुलर डिमांड किया, मतलब जैसे ही रंपत का नाम लोग सुनते हो, जो नौटंकी के फैन हो, तो सबसे पहले वही आपका गाना ध्यान आता हो, ऐसा कोई है? गाना कुछ कॉमेडी ज्यादा ध्यान करते लोग, कॉमेडी ज्यादा करते हैं, और वो कॉमेडी आप खुद ही तैयार करते हैं? मैं खुद तैयार करता हूँ। कोई ऐसा डायलॉग वगैरह जो बहुत हिट हो आपका? इस तरह नहीं याद रहता मुझे कुछ भी। हाँ स्टेज पे जाके ऐसे देख रहा, तो वीडियो में देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए। परिवार में कौन कौन है आप लोगों के? हमारी तीन बेटियाँ हैं। वो भी नौटंकी के प्रोफेशन में? एक बेटी है हमारी बस, वो करती है काम। एक बेटी नौटंकी करती है, उनका क्या नाम है? कशिश। कशिश। बाकी दो बच्चियाँ? एक की अभी शादी नहीं हुई, एक की शादी हो गई, जो सबसे छोटी है वो टीचर ही करती। टीचर ही करती। तो बच्चों का क्या रहता है आपके इस प्रोफेशन के बारे में? नहीं वो तो खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहते हैं। और एक बिटिया तो आई गई, आप बता रही हैं इसी प्रोफेशन में, उसने इसलिए उसको बुलाया, अभी तो बता सकता बुलाया नहीं, उसने इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। हम लोग गए थे लुधियाना, अच्छा, तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब डॉक्टरों ने जवाब देते हैं कि बचने वाले नहीं हैं। अरे तो क्या हो गया था? वो अचानक कुछ हो गया था इनको, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये अब ये काम करने के लायक नहीं है। तो ये हुआ कि जब पापा नहीं रहेंगे और मम्मी की भी उम्र हो रही, धीरे धीरे उम्र तो हम लोग की हो ही रही है, नाती पोता वाले हैं हम लोग, तो ये हुआ कि नौटंकी तो बंद हो जाएगी, इतना नाम चल रहा है। बिटिया ने हमारा नाम रखने के लिए अपना हमारे काम पकड़ लिया, बिटिया ने नाम बढ़ाने के लिए उसने इस लाइन में कदम धरा। पापा का नाम जिंदा रहे, हम पापा के ना रहने के बाद उनका नाम चलता रहे, इसलिए अब कशिश भी करती है। उनका नाम क्या है? कशिश ही नाम। कशिश ही नाम है, और उसी नाम से कर रहे हैं जी। अच्छा, ये कानपुर की नौटंकी इतनी मशहूर क्यों है पुराने जमाने से, क्या वजह? ये ब्रिटिश जमाने से, जब नौटंकी के सिवा कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, उस टाइम से ही नौटंकी हो रही है। नौटंकी ने आज़ादी में बहुत सहयोग किया है। कैसे? क्रांतिकारी लोग नौटंकी वाले भेष बदल बदल के क्रांतिकारी लोग अपना काम करते थे। अच्छा। नौटंकी तमाशा में वास्ते रूप भेष बदल लेते थे, जैसे बहुरूपिया टाइप के लोग हो जाते थे, तो क्रांतिकारी को बड़ा सहयोग दिया इसमें नौटंकी ने। अच्छा। ये नौटंकी उत्तर प्रदेश की लोक कला है, धरोहर है उत्तर प्रदेश की। पहले नौटंकी ही थी, फिल्म से पहले। और अब फिल्म आ गई है तो कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो है, लेकिन कोई खास नहीं ज़्यादा। नौटंकी अपनी जगह, फिल्म अपनी जगह। नौटंकी कैमरे की नज़र, वो फिल्म कैमरे की नज़र से देखी जाती है, नौटंकी लाइव देखी जाती है सामने। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे, जब से ये डीजे चला है, डीजे, तो नौटंकी की महत्व खत्म हो गई, क्योंकि नौटंकी में तो कम से कम 20-22-25 का स्टाफ होता है, खेल के होते हैं कलाकार, नाटक वाले होते हैं, म्यूजिक वाले होते हैं, लेडीज़ कलाकार होती हैं। तो लोगों ने वो डीजे कराया, चार लड़कियां बुला लिया, और अपना जो भी उनको पेमेंट देना हुआ 10,000-12,000 दे के चार लड़कियों बुला के, चार लड़कियों के डांस वांस करती हैं, ख़त्म। सपना चौधरी करती है, सपना चौधरी जैसे करती है। उसे बस डांस का रिकॉर्ड है, इसलिए नौटंकी के महत्व ख़त्म हो गए। अब आर्मी सोचते नौटंकी बुलाएंगे तो 40,000-50,000 देना पड़ेगा, इससे अच्छा चार डांसर बुला लो, जो भी 15,000-20,000 ले उनको दो, 2-3 घंटे मनोरंजन करो, खत्म हो काम। लखनऊ से आए लोग नौटंकी बुक करने आए हुए हैं। लखनऊ से ये लोग नौटंकी बुक करने आए हुए जी। अच्छा, तो कुछ ऐसा नहीं आपका ऑनलाइन मोबाइल वोबाइल से बुक हो जाए? ऑनलाइन भी हो जाता है, लेकिन लोग चले जो नज़दीक आ जाते हैं, आमने सामने हो जाती है, लोग आ जाते हैं, जो दूर के होते हैं फ़ोन कर देते हैं। बॉम्बे वगैरह जो शो करने जाते हैं ऑनलाइन होता है। कहाँ पे सबसे बड़ी नौटंकी हुई कि साहब बड़ी हजारों की भीड़ हो, बड़ा यादगार हो, एक होता है ना? तो रहे जब से ये डीजे चला है, जब से नौटंकी की ऐसी तमाम जगह 85,000 की पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। 50,000 जी, और क्या, हमारे सुबह तो 20,000 पब्लिक मामूली बात है। 20,000 मामूली बात। हाँ, प्रशासन हाथ उठा लेता है, मेरे बस की बात नहीं है, प्रशासन हाथ जोड़ लेता है। रंपत की नौटंकी आ रही, हम परमिशन नहीं देंगे, जल्दी परमिशन नहीं मिलता मेरे नाम से, प्रशासन परमिशन नहीं देता जल्दी से, कहता मेरे भीड़ की वजह से, वो कहता मेरे पास फोर्स नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो लोग डरते कि कहीं बवाल ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से। पब्लिक को तो आप बोलोगे पब्लिक शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता। शांत तो हो जाती है, लेकिन पुलिस है ना, पुलिस डरती ना, एक दिमाग का नहीं होता सर, डरता है ना, हमारी क्या गलत है, तो शांत कर देते हैं, हमारा दिमाग कुछ और, उनका दिमाग कुछ और,
ऐसा भी होता ही है, लेकिन प्रशासन डरता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले पुलिस लाइन में नौटंकी हुआ करती थी, जन्माष्टमी में जो एक हफ्ते तक जन्माष्टमी पुलिस लाइनों में ही प्रोग्राम, खाली पुलिस वाले ही कराते थे, पुलिस चौक करवाते हैं पाँच छः, जब से उन्होंने वो कौन थे विक्रम सिंह, वही बंद करवा गए जन्माष्टमी की नौटंकी। अच्छा ये रंपा जी, कई लोग ये बोलते हैं कि नौटंकी में अश्लीलता बहुत है, भोंडापन बहुत है, यही तो गलत कहते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब देंगे, ऐसा कौन सा सीरियल है या ऐसा कौन सा एड है या ऐसी कौन सी पिक्चर आप फैमिली के साथ बैठ देख सकते हैं, बताएंगे आप? है कोई ऐसा? नौटंकी देखिए, आपको दिखाएं, जेंट्स ज़्यादा महिलाएं बैठ के देखती हैं। ये लोग बात का बताते बात क्या नौटंकी कर रहा है, नौटंकी माने को जानता ही नहीं नौटंकी है क्या चीज़, दो आदमी बात कर रहे हैं नौटंकी का, ज़्यादा जो बोलते हो नौटंकी कर रहा है, इसका मीनिंग वो जानता ही नहीं है, किसको किसी को आज तक किसी को पता नहीं होगा, जो IPS होगा वो उसको मालूम नौटंकी क्या चीज़ है, कोई IPS आकर मुझसे पूछा कि नौटंकी क्या चीज़, बताऊँगा उसको नौटंकी क्या चीज़ है। नौटंकी में क्या अश्लीलता आपने देखा ये बताइए हमको अपने जी। नौटंकी जो है इतिहास को दोहराती है, जो इतिहास हुआ है जो हो चुका हम उसको दोहराते हैं। फिल्म का नौटंकी कलाकार पूरे कपड़े पहन के जाता है, लड़कियाँ पूरी ड्रेस पहन के जाती हैं, फिल्म की हीरोइन चड्डी पहन के आती है, उसको अश्लीलता नहीं कहेंगे आप? उसको नहीं कोई कहेगा अश्लीलता, नौटंकी को अश्लीलता कहते हैं, पूरा ड्रेस पहनती हैं लड़कियाँ, यहाँ से पैर तक ढक रहता है, हमारी उम्र बीत गई, हम आज भी घुंघरू पहन के डांस करते हैं। पद्म श्री अवार्ड गुलाब भाई को मिला है नौटंकी की वजह से मिला है, उन्होंने क्या नंगापन किया है, वो नंगा नाचती थी क्या, वो उनकी लड़की जो है सब अच्छी खासी अफसरान है, पढ़ी लिखी है, उनकी लड़की का शो करती है मधुआ जानते होंगे आप जी। तो क्या वो शो नहीं करती, वो कौन सा नंगा दिखाती बताइए आप, नाटक दिखाती है अच्छा। लोग ऐसे क्यों बोलते हैं क्या, ये क्या बताया, बता रहे हैं आपसे ना कि हर इंसान का एक दिमाग नहीं होता, चार लोग खड़े चार तक बातें करेंगे, उनको रोक पाएगा, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, सब बेवकूफ है, क्या कहना चाहे, पब्लिक से हम थोड़े ना जाके भिड़ेंगे, जिसके जो मन में आता है वो बक देता। अच्छा, सरकार ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया है क्या? कुछ किया है, अच्छा, संगीत अकादमी खुला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी है, जवाहर भवन में जो है संगीत वो कलाकारों को विभाग मिलती है, आप लोगों को मिलती है? अभी हम लोग की 60 साल की उम्र का हो गई, 60 साल नहीं हुई, पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट शो कराती है, नौटंकी शो कराती है गवर्नमेंट में, अभी तभी अभी तो अभी आप लोगों को वहाँ सिखाने पढ़ाने के लिए भी बुलाया जाता है कि आप नए स्टूडेंट्स लोगों को कहा जाए, आप स्कूल खोलिए, अनुदान मिलता है हम लोग को, अच्छा अनुदान मिलता है, अनुदान मिलता है, खोलिए स्कूल, सिखाइए बच्चों को, ये है हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, आओ आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा ये बताइए एक आखिरी सवाल कि वो बहुत बड़ी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं स्नेहा खनवलकर, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह का म्यूज़िक दिया है, आ चुकी, हाँ हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ जी, तो उन्होंने एक शो किया था साउंड ट्रिपिंग करके जी, फिंगर का सिंगर, हाँ हाँ पता है, हमने तो तब पहली बार तभी जब चाहे मोबाइल का रिंग दबाए, हाँ ये हम ही ने गाया, आपने गाया जी, गुमटी में होटल में किया था, ये यहाँ शूट करने जा रहे थे, पब्लिक हटा के सब कैमरे छीन लेके भाग जाएंगे, कैमरे कहाँ शूट किया वो, होटल में गुमटी में, गुमटी में होटल में शूट किया, गुमटी नंबर 5 में जी। अच्छा तो वो कैसे पहुँची स्नेहा खोजते हुए आप तक? वो पता नहीं कैसे, बॉम्बे मेरा शो हो रहा था वही मिली थी मुझे, अच्छा धरावी में, हाँ धरावी से मेरे साथ चली आई थी, फिर वो बनारस तक गई थी शूट करते हुए, तो वो शो के बाद और ज़्यादा लोग आप तक पहुँचे, कुछ ऐसा हुआ क्या? नहीं उससे हम पर कोई खास फर्क नहीं, हमारा तो जो पब्लिसिटी जो है वो है ही है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, हमको मालिक दाल रोटी दे रहा, हम उसी में खुश हैं, अरे अच्छी खासी दाल रोटी दे रहा, अच्छे से रह रहे हैं आप, बच्चे पढ़े और दाल रोटी हर इंसान खाता है, सोना चांदी कोई थोड़े ना खाता, सही बात। अच्छा ये बताइए जैसे कानपुर में हम लोग कल से घूम रहे हैं, लोगों से पूछते हैं, कोई कहता है कानपुर में ये दिक्कत है, कोई वो दिक्कत, आपको लगता है कानपुर की कोई समस्या है जिसका सुधार होना चाहिए? समस्या तो बहुत है, ट्रैफिक समस्या बहुत है, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, आपको 10 बजे ऑफिस जाना तो सब 7 बजे घर से निकली तो पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, बहुत सी समस्या है कानपुर, तो समस्या बहुत है, और क्या है ट्रैफिक के अलावा, और क्या समस्या है? ट्रैफिक है, प्रदूषण बहुत है, सफाइयाँ ढंग से नहीं होती हैं, जो मेन मेन है जो VIP जगह है वहाँ सफाइयाँ होती है, यहाँ गली कुछ सफाइयाँ नहीं होती, अच्छा। कहीं नालियाँ जाम पड़ी तो कहीं हैंड पाइप नहीं है तो पाइप लगा पानी नहीं है, इस मोहल्ले में सफाई देखा तो की गंदगी देखा, गंदगी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम केशरवानी। आप
जी क्या करते हैं? जी जी मैं राइटर हूँ। राइटर हैं? जी जी। अरे जी, बड़ा प्रणाम आपको भाई। तो आप नौटंकी लिखते हैं? नहीं, भैया के लिए नाटक भी लिखते हैं, भजन भी लिखता हूँ, मैं अपना जागरण ग्रुप भी चलाता हूँ। भजन सुनाइए फिर कोई। अरे तो मैं गाता नहीं हूँ। गाते नहीं है, लिखते हैं। राइटर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर है। राइटर कोई गाता ही नहीं है। राइटर गाते हैं, गाता नहीं, सिर्फ लिखता है। ये जब स्टेज लगा रहेगा तो हम लोग खुद ही आ जाएंगे। अभी आप आपका ये कि हमको नाच के देगा तो ऐसे थोड़ा नाच पाएंगे। वही हम कहिए, नाराज मत होइए। हम नहीं, हम नाराज नहीं, हम सही है। जो भैया के लिए लिखा था चौकीदार। चौकीदार जी, क्या है उसमें? ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्यक्रम था बीजेपी का। बीजेपी ने आपको संपर्क किया जी? उसमें भैया जी का कार्यक्रम था, उसमें उस स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। अच्छा, चौकीदार। तो कितनी जगह वो कार्यक्रम हुआ? वो कार्यक्रम 2-3 जगह हुआ है। अच्छा, लोगों ने उसको लाइक किया, पसंद किया। कानपुर में ही किया था? जी जी, कानपुर में, लोकल में। कौन लड़ रहा है कानपुर से चुनाव? सत्यदेव पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरी पार्टियों से? कांग्रेस से श्रीप्रकाश जायसवाल जी हैं, महागठबंधन से राम कुमार निषाद जी हैं जी। और चुनावी माहौल तो बस मोदी जी के पक्ष में है, इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप नौटंकी कर रहे हैं। जी नहीं नहीं, कलाकार के लिए पार्टियों से मतलब नहीं, वो हर पार्टी का है। और हर पार्टी के लिए कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो हर पार्टी के लिए। हमको कोई भी पार्टी बुला के अपने कार्यक्रम के लिए। तो यहाँ पे श्रीप्रकाश जायसवाल के साथ भी फोटो लगाए, अजय कपूर जी 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 जी। ये क्या है? बैनर है जी। अरे वाह, इसमें तो आपकी फोटो है। इतना हम लोगों का नाम चल रहा है, इतना नाम बिक रहा है, लेकिन पुरस्कार जो होना देना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट से अवार्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा हम लोग। कैसा अवार्ड मिलना चाहिए? जैसे गुलाब बाई को हमारी मिला पद्मश्री का, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको देना चाहिए हम लोग को अवार्ड, तो उनने दिया ही नहीं। रंपत जी का नाम है और उस नाम का इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सर। कुछ नहीं मिल पा रहा। हाँ, नाम है रंपत जी का कि एक उस हिसाब से इनको वो सम्मान। आप कितना पढ़े हुए हैं जी? हमारे क्वालिफिकेशन बहुत कम है, कक्षा 8 है। अरे आप इतना साहित्य रचते हैं भाई, कक्षा का क्या मतलब? थोड़ा। तो ये बीजेपी के पक्ष में ये जो आपने चौकीदार नौटंकी बनाई, किसने संपर्क किया था? इसमें कितना मेहनत आना मिलता, क्या होता है? ये तो रंपत भैया जी का कार्यक्रम था, खाली हमको लिखने का, और मैं लिखने का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, फिर निशुल्क निशुल्क है। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है इस पर, दिखाइए जरा। ऐसे आइए, रंपत रानी बाला नौटंकी। अच्छा, वो बहन जी की फोटो है आपकी। डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑर्केस्ट्रा डीजे के लिए संपर्क करें के बगाही टीपी नगर। ये टीपी क्या है? ट्रांसपोर्ट नगर, ट्रांसपोर्ट नगर है। तो ये कहाँ पे टंगा रहता है? ये ऑर्केस्ट्रा गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया? ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा गलत लिख दिया, ऑर्केस्ट्रा नहीं करते हैं जी। नहीं, इसमें तो डीजे लिखा है, आपने कहा डीजे बहन जी करेंगे गलत। वो बताओ, छापने वाले गलत है, छाप दिए। हाँ वही मैंने कहा, आप तो डीजे की आलोचना कर रही थी। नौटंकी के कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, अब एक आखिरी चीज बता दीजिए। जैसे देश में बहुत सारे नेता दूसरे नेताओं के लिए बोलते हैं कि फलानी पार्टी वाला नौटंकी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। आप भी सुनते होंगे सारे डायलॉग बयान, आपका क्या सोचना है, कौन सी पार्टी काम कर रही है? भैया देखिए, हम कलाकार किसी पार्टी के बारे में नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। अच्छा, हमारा तो कहना इतना ही है। हाँ, कि हमारे यहाँ नौटंकी में जैसे गुलाब बाई को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, हम लोग इतने पॉपुलर, इतना नाम है, हम लोग को क्यों नहीं मिलता अवार्ड? हम लोग तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। जितने भी पत्रकार आए, सबसे हम लोगों ने यही बात कहा, बोले हम कोशिश करेंगे, आपको दिलवाएंगे। कहीं पत्रकार कह के जाते हैं, हम कोशिश करें। हाँ, उनको पद्मश्री मिला था तो हमको यश भारती मिल जाएगा। कुछ यश भारती तो अखिलेश यादव देते थे, अब तो उनकी सरकार ही नहीं है। अरे हम कह रहे हैं हो या ना हो तो कोई तो नहीं, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में यश भारती नहीं दिया जाता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लगता है सरकारों को और सम्मान देना चाहिए? उनको गुलाब बाई को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, विदेश जाती हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करती, शो करती, क्यों जो अवार्ड मिला? हम लोग इतने दुनिया मशहूर, हम लोग को कोई ना अवार्ड, ना कहीं विदेश जाने को मिलता, ना कहीं, बस यहीं कानीपुर में नौटंकी करते रहो, अपने घर रहते रहो, नौटंकी करते रहो, अपने घर में रहो। ये पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने आपसे नौटंकी करवाई हो, या पहले भी करवाई? बहुत किया, बहुत किया। हाँ,
कांग्रेस के टाइम में भी किया है। अच्छा, ये जगह पूरा ऐसे नहीं टंगे यहाँ पे। क्या शो करके आए हम लोग? अच्छा, प्रमोद तिवारी क्या शो किया? प्रमोद तिवारी तो प्रतापगढ़ के हैं, दिग्गज कांग्रेसी, उनके क्या किया है? राज्यसभा सांसद। हाँ, तो मुंबई महाराष्ट्र करके ऐसा। हम कलाकार जो पार्टी बुलाती है, मैं रात भर उसी के रहते हैं। अच्छा, सुबह हम क्या हो जाते हैं सुबह, मतलब नहीं। ये इसे एक आखिरी लाइन पे समअप करते हैं कि हम कलाकार हैं, रात भर जो बुलाता है उसके रहते हैं, सुबह क्या हो जाते हैं किसी को नहीं पता है। नौटंकी के बारे में आपको अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहिए। गुलाब भाई, जिनका बार बार जिक्र आया है, उनके बारे में एक बहुत शानदार बायोग्राफी भी लिखी गई है। नौटंकी एक समृद्ध लोक कला है जिसका एक सिरा कानपुर से जुड़ता है, एक सिरा रंपत जी से जुड़ता है। जी, सरकार से निवेदन है, प्रशासन को इसके बारे में कहा जाए कि नौटंकी को परमिशन देने, प्रोत्साहित कर, परमिशन देने में, इतना परमिशन देने में बहुत परेशान करते लोगों को। अच्छा, एक भीड़ इतना हो जाता है कि सब हाँ मार हो जाएगा, जबकि हजारों का भीड़ होता है। चलिए, तो ये आपने बातचीत सुनी, कानपुर में आए थे तो हमें लगा कि इस एक ठिकाने पर भी जरूर आना चाहिए। लल्लनटॉप की चुनाव यात्रा चल रही है, इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।